नमस्कार, एनएस 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जंग, चौथे चरण के लिए खत्म हुआ वोटिंग का समय। देश के 10 राज्यों में मतदान चल रहा था। 96 लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा था। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हुई है। शाम 6 बजे था मतदान का समय। अब मतदान केंद्र में मौजूद लोग ही डाल सकेंगे वोट। तो ये बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजे तक मतदान का समय था। मतदान का समय जो है अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। मतदान केंद्र में जो 6 बजे तक लोग मौजूद थे वही सिर्फ वोट डाल पाएंगे। और चौथे चरण मध्य प्रदेश के अंतिम चरण का जो है आज मतदान चल रहा था। देश की बात किया है तो 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा था। मध्य प्रदेश की निमाड़ और मालवा की मिलाकर कुल 8 लोकसभा सीटों पर ये मतदान हुआ, जिनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा सीट शामिल थी जिन पर मतदान चल रहा था। और मतदान का समय जो है अब खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग थी। तो ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से संबंधित आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान का समय जो है खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे तक समय था। अब जो मतदान केंद्रों में लोग मौजूद हैं, वोटर्स मौजूद हैं, वही अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। सुबह 7 बजे से ये मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें, जिनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा शामिल हैं, इनके लिए चुनाव के लिए वोटिंग जारी थी। और अब जो है समय सीमा खत्म हो गई है। कई दिग्गज नेताओं की जो किस्मत का फैसला है ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। और बात की जाए तो देश में जो है 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा था, जिनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मोइना समेत तमाम जो सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा आज। और शाम 6 बजे तक मतदान का समय था। और इस खबर पर हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी इंदौर से महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, बात की जाए तो लोकसभा के मध्य प्रदेश के चौथे चरण का जो है मतदान लगभग खत्म हो गया, समय सीमा उसकी खत्म हो चुकी है। बात किया तो इंदौर में जो है 56.53% वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का मतदान कैसा रहा महेश? देखिए, यहाँ इस बार मतदान की बात करें तो मतदान बड़ा नीरस था, एक तरफा था, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं था। किसी बड़ी पार्टी की बात करें तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में मौजूद थे, और अन्य 13 जो लोग मौजूद थे वो इंदौर में चुनाव लड़ने वाले या तो निर्दलीय थे या फिर तीसरी या छोटे दलों के नेता थे, जिनका कोई यहाँ खास वजूद रहा नहीं है। शुरू से इंदौर शहर जो है यहाँ पे आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस या बीजेपी के बीच ही मुकाबला होता रहा है। इस बार चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं था तो नजारा इस वक्त यह है कि आपको मेरे पीछे की ओर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपको मेरे पीछे की ओर ये जो दरवाजा नजर आ रहा है, ये जो दरवाजा बंद किया गया है अब से चंद मिनटों पहले बंद किया गया है, ये पोलिंग बूथ है इंदौर के मोती बंगले का। यहाँ पर 6 बजे से बंद कर दिया गया और एक भी मतदाता अंदर नहीं है। हम यहाँ पे बीते 20 मिनट से मौजूद हैं। 20 मिनट में यहाँ पे बमुश्किल से एक महिला और एक उनके साथ में उनके परिजन आए थे, दो लोग यहाँ वोट डालने पहुंचे थे। तो कहीं कहीं ये बताता है कि का इस बार बहुत ज्यादा चूंकि एक तरफा मतदान था, लोगों का ज्यादा रुझान नहीं रहा। ये जो बूथ है इसकी खासियत ये भी है कि इंदौर का एकमात्र ऐसा इलाके का बूथ है जहां पे बहुसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यकों के अलावा जो लोग हैं उनका यहां पे वोट आता है, और उसके अलावा अल्पसंख्यकों का भी काफी तादाद में यहां पे वोट होता है। और हर चुनाव में वो विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, यहां पे सबसे ज्यादा गहमा गहमी होती है। यहां पे पिछली विधानसभा में जबरदस्त आपस में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में आमना सामना हुआ था, और लगभग वोटिंग खत्म होने के 1.5 घंटे बाद तक यहाँ पे लाइन में जो लोग लगे हुए थे उनको 1.5 घंटे बाद तक के वोट डलवाए गए थे। पर इस बार लोगों का रुझान चुनाव के प्रति कितना है, वोटिंग के लिए लोग कितने इस बार उत्सुक रहे, चूंकि एक तरफा चुनाव था, उसको इस
नजारे से समझा जा सकता है। हालांकि सुबह मतदान बड़ी तेजी में हुआ था, सुबह जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई तो पहले ही एक घंटे में 13% मतदान हो गया था। इस वक्त जो आंकड़ा आया है आपने जो बताया 56.53% मतदान, ये 5 बजे तक हुआ है। शहर के कुछ इलाकों में मतदान अभी चल रहा है पर वो भी बड़ी धीमी गति से चल रहा है। तो जो एक्चुअल फिगर है वो लगभग 7 बजे के आसपास में सामने आएगा और ये माना जा रहा है कि लगभग 62% के आसपास में इस बार इंदौर में वोट पड़ना चाहिए। जी महेश, आप बोल रहे कि शाम 6 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत जो 7:30 बजे पाने की बात कर रहे हैं वो 62% के करीब पहुंच सकता है ऐसा अनुमान है, लेकिन पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव की बात की जाए ऐसे इंदौर लोकसभा सीट में जो 69.34% मतदान हुआ था, तो क्या माना जाए, ये मान लिया जाए कि 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव जो है वोटिंग प्रतिशत में इंदौर काफी पीछे नजर आ रहा है? देखिए, हम जो मतदान प्रतिशत की बात करते हैं, जो परसेंटेज की बात करते हैं, वो एक उसको एक समझने वाली चीज़ है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। 5 साल पहले जो परसेंटेज था 69%, उस समय मतदाताओं की संख्या इंदौर शहर में अलग थी। आज जो मतदान हो रहा है इसमें इंदौर में इस वक्त मतदाताओं की संख्या अलग है, लगभग 15% मतदाता पिछली बार के मुकाबले 5 सालों में इनमें बढ़े हैं। तो यदि हम कभी भी परसेंटेज की बात करते हैं और हम उसको कंपेयर करते हैं बीते चुनाव से तो एक सही आंकड़ा नहीं होता है। भले ही यहाँ पे 62% हुआ पर 15% वोटर बढ़े हैं, यदि उस मान से देखा जाए तो हो सकता है कि जितने वोट पिछले चुनाव में लोकसभा में पड़े थे लगभग उतने ही वोट इस बार पड़े। तो ये जब पूरा आंकड़ा सामने आएगा और जब हम वोटों की गिनती को देखेंगे कितने मत पड़े हैं और बीते चुनाव में कितने मत पड़े थे, वहां जाके ये फिगर सामने आ पाएगा कि चुनाव में लोगों ने वोट कम डाला है या ज्यादा डाला है। परसेंटेज की बात हमेशा एक धुंधला सा एक ग्रे शेड होता है, क्योंकि बीता हुआ जो लोकसभा का चुनाव था उसमें वोटर्स की संख्या अलग थी, उसमें डाले हुए वोटों की संख्या अलग थी, वो उसका परसेंटेज था 69%। इस बार जो है वो वोटर्स की संख्या बढ़ी है, इसका जो परसेंटेज आएगा वो कम आएगा, पर जब नंबर ऑफ वोटर्स आएंगे तो हो सकता है वो लगभग इसके आसपास ही आए। जी, लेकिन महेश, बात की जाए चौथे चरण में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 69.12% मतदान हुआ था ओवरऑल की बात करो, और अभी बात की जाए शाम 5 बजे तक जो चौथे चरण का मतदान हुआ मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर, उन पे जो है 68.01% मतदान हो चुका है शाम 5 बजे तक। लेकिन जैसे ही 6 बजे के रुझान आएंगे तो क्या ये आंकड़ा जो है ओवरऑल चौथे चरण का जो है पिछली बार के मुकाबले इस बार पार होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये आंकड़ा क्या पिछले बार के आंकड़े को पार करेगा, पर हाँ ये जरूर है कि पिछले बार का जो आंकड़ा है उसके आसपास 2-3% से ऊपर नीचे का होगा। हालांकि ऊपर जाने की संभावना थोड़ी इसलिए इस बार कम है कि लोगों का रुझान उतना ज्यादा नहीं है। वो इंदौर की बात करें, मालवा निमाड़ की 8 सीटों की बात करें तो लोगों का उतना रुझान नहीं है। झाबुआ रतलाम की सीट है जहां पे थोड़ा कांग्रेस बीजेपी में दोनों ही पक्षों के लोगों में एक उत्साह दिख रहा है, तो वहां पे आंकड़ा शायद ज्यादा जा सकता है। पर धार में मतदान कम हुआ है, खरगोन में बीते चुनाव के मुकाबले मतदान कम हुआ है, ये 5 बजे के आसपास के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। उज्जैन में भी मतदान का प्रतिशत कोई पिछली बार के आंकड़े को देखे तो उसको छूता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। ये 1 से 2 घंटे बाद में क्लियर होगा कि ये कहां जाके रुकेगा, पर ये माना जाना चाहिए कि जो बीता 2019 का लोकसभा चुनाव था उससे लगभग 2 या 3% के आसपास में ये मतदान का प्रतिशत जाके ठहरेगा, जो कि नंबर ऑफ वोट के हिसाब से हम देखेंगे। तो यदि हम प्रतिशत इस साल का देखेंगे और 5 साल पहले के प्रतिशत से कंपेयर करेंगे तो उसमें एक बड़ा गैप नजर आएगा। जी चलिए महेश, आगे भी आपसे अपडेटेड रहेंगे, फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।